You know, Gudan, कल रात मेरे दिल को बहुत इत्मीनान हो गया और ये सब तुम्हारी और अबीर की वजह से हुआ है, वरना मैं तो अपना सब कुछ बिगाड़ने की जिद किए बैठी थी। माधव से बात करने के लिए किसने कहा था तुमसे? बाबा, मैंने अपनी मर्जी से। रश्मि, कब तक अपनी मर्जी चलाती रहोगी तुम? हम तुम्हारे माँ बाप है, शादी में आए बाराती नहीं। बेटा, आज के बाद ये बातें दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी। रश्मि, कैसे क्या करना है वो तय हो चुका है। मैं बस अभी आया। मिश्रा जी, ये आपका हिंदी अखबार। तिवारी जी, आपका इंग्लिश। दीदी, आपका। बाकी बाकी त्रिपाठी जी को बगैर शक्कर की चाय और दुबे जी को ब्लैक कॉफी। हाँ, बांके, ओ बांके, अरे बांके, ये सब काम छोड़। अरे यहाँ ये सब काम करने के लिए बहुत लोग हैं। जा जरा छत पर लल्ला को देख कर आ कि कहाँ है वो। उस बेचारे का तो जीना मुहाल हो गया है। बगल वालों ने तो लगता है पूरा घर किराए पे दे दिया है और खुद छत पे रहने चले गए। सुबह शाम जब देखो छत पर ही डेरा डाले रहते हैं। अरे जा, जाकर देख कर आ, नहीं तो इधर देख, लल्ला कहीं नीचे आकर तो नहीं सो गया। बाकी जरा देख तो सही, लल्ला कहाँ है? मतलब बूढ़ा को चैन नहीं आएगा। बूढ़ा तो कोई भी काम हमें चैन से पूरा नहीं करने देती। जब देखो ततैये की तरह पीछे पड़ी रहती है। हेलो। हेलो, कौन बोले? जी नमस्ते, मिसेस शुक्ला, मैं मजुमदार बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते जी, एक एक मिनट, शोभना दीदी जी, एक मिनट, आपका फोन है। कौन है सुधा भाभी? मजुमदार जी। यस, मिसेज शुक्ला बोल रही हूँ। जी नमस्ते मिसेज शुक्ला, मैं मजुमदार बोल रहा हूँ। कौन मजुमदार? जी देव मजुमदार। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। किस सिलसिले में फोन किया था आपने? जी वो माधव और रश्मि के शादी के सिलसिले में। मैं रश्मि का फादर देव मजुमदार बोल रहा हूँ। ओह माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। नाम तो मुझे पता ही नहीं था और सरनेम मेरे दिमाग से निकल गया। जी नहीं जी, कोई बात नहीं। वो दरअसल हम आपसे मिलकर कुछ बातें करना चाह रहे थे। बात या बहस? नहीं 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 जी, कोई बहस, कोई डिस्कशन नहीं। हम तो बस आपसे मिलकर आपके तौर तरीके के हिसाब से सारी रस्में करना चाह रहे थे। जो आप चाहें, जो बोले। और आपकी तरफ से? नहीं जी, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं। जो भी होगा आपकी तरफ से होगा। जो आप चाहें, जैसा आप चाहें। बस मिलकर ये पूछना था कि आपकी रस्में हैं कौन कौन सी, तो फिर हम भी अपनी तरफ से तैयारियां कर सकें। लीजिए, अगर इतनी सी अक्ल आपको पहले आ गई होती तो हमें इतनी माथापोड़ी नहीं करनी पड़ती। नहीं जी। ठीक है, तो कब आना चाहेंगे आप? जी अगर आप लोग फ्री हो तो हम आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। होल्ड कीजिए, मैं पूछ कर बताती हूँ। ठीक है, आ जाइए, लेकिन लेट मत कीजिएगा, शुक्ला जी को बहुत सारे काम है। जी जी, नहीं नहीं, हम बस तैयार होके आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। जी जी जी, शुक्रिया। नमस्ते।
बस आधे घंटे में पहुंचना है, तैयार हो जाते हैं। आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, हमारी सारी बातें मान गए हैं, अब शादी सिर्फ हमारे तौर तरीकों से होगी। आ जाने दो उन बंगालियों को, आज समझा ही देंगे कि हम चीज क्या है। हमारे यहाँ लड़की ब्याहने का असली मजा तो उन्हें अब आएगा। लाख बुराई हो माताजी, पर इन मजूमदार्स की एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी। वो कौन सी? बड़ी मोटी चर्बी है। कैसे? वरना किसी की अकड़ के इस तरह परखच्चे उड़ते हुए मैंने पहली बार देखे। चिड़ियाघर का कोई गैंडा भी होता ना तो इतनी बेइज्जती के बाद वापस भागकर चिड़ियाघर चला गया होता, लेकिन ये मजूमदार, इनके बर्दाश्त की तो मियादी खत्म नहीं होती। बर्दाश्त की तो छोड़ो, हम तो इनकी कमर तोड़ देंगे। बस हम कहते हैं तुम इन लोगों को हमारे हवाले कर दो, हम सब संभाल लेंगे। अरे ऐसी धुलाई करेंगी कि जिंदगी भर याद रखे। अब माताजी लल्ला भैया तो ऊपर ही है, माधव भैया के साथ लंबी नींद निकाल रहे हैं वो तो। अरे सो लेने दो, खासकर माधव को। उसके ससुराल वालों की जो आज हम आओ भगत करने वाले हैं वो ना ही देखे तो अच्छा है। क्यों? सो लेने दो। पांच अलग अलग किस्म की मिठाई, डिब्बे कम से कम 2 किलो के होने चाहिए, और हाँ उसमें काजू कतरी जरूर डालिएगा।